25,000 तक के रेफ्रिजरेटर को लेने के लिए अगर आप एक दुकान पर जाएंगे तो आपको 2017 से लेकर 2021 के बीच के सारे मॉडल्स दिखाए जाएंगे और दुकानदार अपनी प्रेफरेंस का ब्रांड आपको बेचने की कोशिश करेगा मोस्ट लाइकली आप में से ज्यादातर लोग वो रेफ्रिजरेटर लेके घर पे आएंगे जो दुकानदार आपको बेचना चाहता था लेकिन ये यहां पे नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो रेफ्रिजरेटर्स बताऊंगा जो आपको सही में लेने चाहिए हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वीएम वन मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2022 में अंडर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज दोस्तों रेफ्रिजरेटर एक बड़ी महंगी और एक भारी चीज है बहुत सारे मॉडल्स आते हैं बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं उनमें हर मॉडल को खरीद के उसको स्टूडियो में लाके शूट कर पाना उसके बाद कंपैरिजन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन हर मॉडल को दुकानों पे जाके चेक करना मेरे लिए आसान है मैंने वो काम किया आपके लिए और मैं 2022 के बेस्ट मॉडल्स आपको बताने जा रहा हूं मेरी टेस्टिंग के दौरान दुकानदारों और सेल्समैन ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी शायद वो मुझे पहचान गए थे लेकिन शायद वो मेरे सवालों के लिए भी रेडी नहीं थे क्योंकि ऐसे सवाल उनसे पहले किसी कस्टमर ने पूछे ही नहीं और उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं जब मैं आपको हर चीज के बारे में डिटेल में समझाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपको रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के समझने चाहिए चलिए उन पॉइंट्स को देखिए। इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशो यानी आई आर -E -E लेबल जो आपके रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगा होता है उसमें पावर कंजम्पन भी लिखी होती है आपके फ्रिज की तो क्या आपका रेफ्रिजरेटर साल भर में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लेता है बिल्कुल भी नहीं यह सिर्फ टेस्ट कंडीशंस में नोट करी हुई फिगर है और वो फिगर आपको देख के बड़ा मजा आता है कि हमारा रेफ्रिजरेटर 200 यूनिट्स ही लेगा ऐसा होता नहीं है दोस्तों ये इन्वर्टर कंप्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर्स हैं उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है काम करने का नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर से इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्शन को 50 परसेंट तक कम कर देगा और ऐसा इंपॉसिबल है इनवर्टर कॉम्प्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर अपनी है कंपेरिजन किससे कर रहा हूं मैं नॉन इनवर्टर कॉम्प्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर से इस बात का आपको ध्यान रखना है एक रेफ्रिजरेटर तीन बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है कॉम्प्रेशन कंडेशन एंड इवेपोरेशन डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर ये बेस्ट कवर होती है टॉप माउंट फ्रीजर यूनिट पे। बॉटम माउंट जो फ्रीजर वाले रेफ्रिजरेटर्स की इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर फ्रिज टू फ्रीजर रेशियो होती है एटी ट्वेंटी आपको मार्केट में कुछ सस्ते रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे जिसमें आपको फ्रिज टू फ्रीजर रेशियो मिलेगी सेवेंटी थर्टी आपको वैसे रेफ्रिजरेटर सिर्फ तब लेने चाहिए जब आप बहुत ज्यादा नॉन वेज फूड अपने फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो अदरवाइज नॉट बिकॉज आपकी जो बेसिक जरूरत है वो फ्रिज पूरी तरह से पूरी कर सकता है और आज की डेट में आपको कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर देखने को मिलते हैं इसलिए यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ रेशो और एक बात बताऊं आपको हमेशा रेफ्रिजरेटर में क्रॉस कैपेसिटी बताई जाती है आपको मैं इस वीडियो के अंदर नेट कैपेसिटी भी बताऊंगा फ्रिज की भी और फ्रीजर की भी देखते रहिए एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर जो आपको आज की डेट में देखने को मिलते हैं उनमें एक्चुअली में वॉट इज कन्वर्टेबल एक रेफ्रिजरेटर के अंदर दो सेक्शन होते हैं फ्रिज और फ्रीजर इन दोनों सेक्शन को आप बारी बारी अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं ये एक पॉइंट होता है और दूसरा मेजर एडवांटेज होता है फ्रीजर सेक्शन को पूरी तरह से फ्रिज सेक्शन में कन्वर्ट कर देना अगर आपको इन फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आपको एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसे खरीदने के लिए आपको एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे मैं आपको दोनों टाइप के रेफ्रिजरेटर इस वीडियो में बताने वाला हूं डोंट वरी एक रेफ्रिजरेटर लेते समय आपको एक और चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए और वो है वारंटी आप ध्यान रखें या ना रखें लेकिन हमने हमने रिव्यू बनाने से पहले से जरूर ध्यान रखा और हर रेफ्रिजरेटर कंपनी में फोन करके हमने ये पता किया कि उनकी सर्विस अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रॉब्लम बताने पे कैसी है और उसका रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा और आप एक रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी ही चाहिए आप कोई भी वारंटी ले सकते हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से गो वारंटी को रिकमेंड करता हूं आप उसे कहीं से भी लें मैं अपना लिंक भी आपको उस वारंटी का नहीं दूंगा आपको जहां से सस्ती मिले आप उसे वहां से लें कभी आपने रेफ्रिजरेटर लेते हुए उसकी इंसुलेशन पर ध्यान दिया है आपने कभी यह देखा है कि वो स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है कि नहीं और क्या आपने कभी यह देखा है कि उसमें जो कंप्रेसर है वो इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर डोंट वरी ये सभी बातों का ध्यान रख के ही मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है चलिए अब सीधा शुरू करते हैं अपने नंबर फाइव रेफ्रिजरेटर से बेस्ट रेफ्रिजरेटर आपको बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी मॉडल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और वी रेकमेंडेड रेफ्रिजरेटर लिस्ट में भी मिलेंगे प्लीज उन लिंक्स को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद होगी आपके प्राइस को जरा सा भी चेंज करे बिना और उसी से हम इस टाइप का बहुत महीनों की मेहनत के बाद आपके लिए ला पाते हैं चलिए अब आपको बताता हूं बेस्ट जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में इस समय अंडर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज और उसमें नंबर फाइव पर मेरी लिस्ट पे आता है हायर का टू फिफ्टी एट लीटर का थ्री स्टार मॉडल जिसके अंदर आपको नेट कैपेसिटी मिलती है टू हंड्रेड थर्टी फाइव लीटर की इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 190 लीटर का फ्रिज मिलता है और 68 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलेगा और यह मॉडल एक इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है और ये फाइव इन वन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है इस मॉडल में ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज हुई है और ये पीयूएफ इंसुलेशन के साथ आने वाला मॉडल है दोस्तों पीयूएफ इंसुलेशन आपको हर रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलेगी और उसी की वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर की ठंडक बाहर नहीं आती और बाहर की गर्मी रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं जाती और हायर का इसे एक बहुत बड़ा फीचर बताना आई डोंट थिंक इट इज राइट थिंग बट जो अच्छी चीज इस रेफ्रिजरेटर के अंदर है वो है एंटी फंगल गैस्केट और हायर का कहना है कि इसके अंदर आपको लार्ज वेजिटेबल बॉक्स मिलता है और वो कहना बिल्कुल सही है लेबल के हिसाब से यह रेफ्रिजरेटर 182 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करेगा एक साल में और हायर के इस कस्टमर केयर नंबर पे जब हमने बार बार अलग अलग लोकेशंस बता के अलग अलग प्रॉब्लम्स बता के उन्हें फोन किया और हायर की सर्विस पे हमारा फीडबैक है गुड

मनी रेफ्रिजरेटर और इसकी पावर कंजम्पशन देखिए आपने वेरी वेरी गुड इसलिए मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स अगर आपको 25000 से नीचे नीचे एक रेफ्रिजरेटर लेना है लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्स कॉन्स की अगर हम बात करें तो हायर की सर्विस तो अच्छी है लेकिन इंस्टॉलेशन सर्विस कई सिटीज के अंदर स्पेशली टियर 3 एंड टियर 4 टाउन्स के अंदर इंस्टॉलेशन सर्विस इज नॉट दैट गुड इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है और अगर आपकी सिटी के अंदर हायर की सर्विस एंड इंस्टॉलेशन इज गुड देन गो फॉर दिस वन इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकिन मिनट रुकिए अगर आपको अप टू का रेफ्रिजरेटर चाहिए तो हायर के अंदर ही आपको एक और मॉडल बताता हूं मैं बात कर रहा हूं हायर के थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव लीटर थ्री स्टार मॉडल की जो आपको अप्रोक्सीमेटली थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज के आसपास इस समय कॉस्ट करेगा आप उसे भी देख सकते हैं उसके भी लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों को जरूर चेक करिए। रेफ्रिजरेटर की मेरी लिस्ट में नंबर फोर गोदरेज का लीटर स्टार मॉडल जिसके अंदर आपको नेट कैपेसिटी मिलती है 243 की। इस रेफ्रिजरेटर फ्रिज और सिक्सटी टू लीटर का फ्रीजर टेक्नोलॉजी वाला रेफ्रिजरेटर मल्टी इन्वर्टर गोदरेज की अपनी बनाई एक है बेसिकली आपको इस कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है और इसके अंदर आपको इन भी देखने को मिलेंगे एंड नीडलेस टू से कि ऑटो फंक्शन के साथ आता है और इसके अंदर आपको एम्बियंट वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी जो एक बहुत शानदार चीज है दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर के अंदर अलग अलग सेंसर्स लगे हैं अलग अलग जगह पे जो बाहर के वेदर को सेंस करके अंदर का टेम्परेचर अपने आप एडजस्ट करेंगे और उसे कहते हैं एम्बियंट वेदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी गोदरेज के इस मॉडल के अंदर आपको गोदरेज की पेटेंटेड कूल शावर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी जिसमें हवा यानी ठंडी हवा पूरे रेफ्रिजरेटर में 360 डिग्रीज डिग्री घूमेगी और गोदरेज ने एक टेक्नोलॉजी और बनाई है और उसे कहा है हनी कोम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं आपको यह कहूंगा कि यह भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बेसिकली वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर हनीकोम डिजाइन की एक ग्रिल रखी गई है जिससे मॉइस्चर सब्जियों पे जाता है और उन्हें थोड़े थोड़े टाइम टाइम ज्यादा के लिए फ्रेश रखता है है और और उसे गोदरेज कहता एक टेक्नोलॉजी मैं कहता हूं एक नॉर्मल अच्छा डिजाइन आईसीयू लेबल के हिसाब से इस रेफ्रिजरेटर की पावर कंजम्शन है टू हंड्रेड अ ईयर और गोदरेज के इस कस्टमर केयर नंबर पे जब हमने अलग अलग लोकेशन से अलग अलग प्रॉब्लम्स बता के फोन किया तो उनकी सर्विस पे हमारा रिव्यू है गुड इस गुड के ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टार लगाया है और उसके नीचे लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन पहले आपको बताता हूं कि गोदरेज आपको देता है वन ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी इस मॉडल पे और आपको टेन इयर्स की वारंटी मिलती है इस इन्वर्टर कॉम्प्रेसर में जो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलेगा मॉडल आप इस समय खरीद पाएंगे 26, रुपीस का हाँ, मैं जानता हूँ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का वीडियो है लेकिन मैंने इस मॉडल को जानबूझ के इंक्लूड किया है क्योंकि ये मॉडल बहुत शानदार है अगर आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से नीचे का रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो एक हजार रुपए ज्यादा डाल के आप इस मॉडल को खरीद सकते हैं इसमें आपको कैपेसिटी ज्यादा मिलती है अब हम बात करते हैं फिर से दोबारा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और मैं आपको बताता हूं कि गोदरेज का ये रेफ्रिजरेटर सबसे ज्यादा अच्छी कैपेसिटी के साथ आता है आप देखिए इसके मैसिव साइज को एंड इसकी आप बिल्ड क्वालिटी जब देखेंगे तो आपको लगेगा ये टैंक की तरह बना है वंडरफुल रेफ्रिजरेटर बहुत शानदार स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है हर टाइप का फीचर आपको देखने को मिलता है दिस इज अन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर बट अब हम बात करते हैं उस स्टार के बारे में जो मैंने गुड के ऊपर लगाया था और गोदरेज की सर्विस टीयर वन और टीयर टाउन के अलावा बाकी सब जगह बहुत शानदार नहीं है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर आप छोटे शहर में रहते हैं और गोदरेज की सर्विस में कॉल करके टेक्नीशियन को कॉल करते हैं तो हो सकता है आपको दो या तीन दिन भी लग जाए टेक्नीशियन विजिट देखने में एंड दैट इज़ नॉट वेरी वेरी गुड। आपको आपको दिन तक अगर अपना रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर खराब देखना पड़ेगा, तो आपको शायद बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। Godrej is an Indian brand. मैं चाहता हूं कि ये नंबर की पोजीशन पे आए। टली दूसरे ब्रांड उनकी सर्विस करूंगा कि अगर आप या टू में रहते हैं, देन गो दिस दिस वन जिसे मैं पूरी तरीके से करता हूं। और अगर आपका बजट के आसपास है, तो मैं आपको एक और रेफ्रिजरेटर रेकमेंड करता हूँ गोदरेज का ही मैं बात कर रहा हूँ तो टू लीटर थ्री स्टार मॉडल की जो आपको इस समय ट्वेंटी एट के आसपास पड़ेगा दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप जरा चेक तो करिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस कैटेगरी के अंदर कभी भी फाइव स्टार रेफ्रिजरेटर रिकमेंड ही नहीं किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आते ही नहीं है बढ़ते हैं आगे और बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर की मेरी लिस्ट में नंबर पे वर्लपूल का टू हंड्रेड सिक्स लीटर का थ्री स्टार मॉडल जिसकी नेट कैपेसिटी है टू हंड्रेड थर्टी एट लीटर इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको वन एट्टी फोर लीटर का फ्रिज और सेवेंटी फाइव लीटर का फ्रीजर देखने को मिलता है क्या आपको लगा कि ये सेवेंटी फाइव लीटर ज्यादा है मुझे तो लगा वर्लपुल के इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको इंटेलिजेंस इन्वर्टर कॉम्प्रेसर देखने को मिलता है और ये एक कन्वर्टेबल मॉडल है जो कि फाइव इन वन मोड्स के साथ आता है आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर एआई इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी और उसका मतलब यह है दोस्तों कि इस रेफ्रिजरेटर मॉडल के अंदर भी कई सेंसर्स लगे हुए आते हैं जिसकी मदद से रेफ्रिजरेटर अपने आप ये सेंस करता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है और अंदर रेफ्रिजरेटर में कितना टेम्परेचर को मेंटेन करा जाना चाहिए उसके हिसाब से ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी काम करती है और आपका रेफ्रिजरेटर एक एडिक्वेट टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करता है वर्लपूल के इस मॉडल के अंदर आपको फ्रेश फ्लो एयर टावर भी देखने को मिलता है यानी बिल्कुल सेंटर में आपको एक एयर टावर लगा हुआ दिखेगा जिससे ठंडी हवा पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर यानी फ्रिज सेक्शन में घूमेगी वर्लपूल ने इसमें जियो लाइट और माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी भी दी है और इसके बारे में मैं आपको यह कहूंगा कि आप इसमें बिल्कुल ध्यान ना दें क्योंकि आपको एक हनीकॉम डिजाइन की ग्रिल वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर लगी हुई मिलेगी उससे मॉइस्चर सब्जियों पे जाएगा और वो उसको पंद्रह दिन तक फ्रेश रखेगा ऐसा वर्लपूल का कहना है मेरा यह कहना है कि हाँ सब्जियों को थोड़ा सा फ्रेश रखेगा बट इसे जियोलाइट और माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी कहने की जरूरत नहीं है वर्लपूल के इस मॉडल के अंदर आपको एक फ्रेशनाइजर भी देखने को मिलता है जो अलग अलग सब्जियों की या फिर अलग अलग खाने की चीजों की स्मेल को आपस में मिक्स नहीं होने देता और जब यह खत्म हो जाएगा तो आप इसे रिप्लेस कर पाएंगे थ्री हंड्रेड रुपीज में जो कि बुरा प्राइस नहीं है बी लेबल के हिसाब से वर्लपूल के इस मॉडल की पावर कंजम्पन है वन हंड्रेड नाइनटी यूनिट अर और वर्लपूल के इस कस्टमर के नंबर पे जब हमने बार बार अलग अलग लोकेशन से अलग अलग प्रॉब्लम्स बता के फोन किया तो उनकी सर्विस पे हमारा फीडबैक है गुड

रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है इसके अंदर फीचर्स बहुत शानदार हैं आपको हर टाइप का फीचर देखने को मिलेगा एंड लेट मी टेल यू कि आपको इसके अंदर कूलिंग भी शानदार मिलेगी और इसमें आवाज भी बिल्कुल नहीं है विच इज वॉट वी नीड हमें बहुत सारी ऐसी ही चीजें की प्रॉब्लम होती है जब आवाज करता है रेफ्रिजरेटर और कूलिंग थोड़ी कम होती है बट इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएंगी लेकिन अब हम उस बारे में बात करते हैं जो आप जानना चाहते हैं वर्लपूल में मुझे कॉल करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि पिछले 20 साल से मैं अपने घर में वर्लपूल का ही रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा हूं ऑब्वियसली मॉडल्स चेंज करे हैं दोबारा दोबारा वर्लपूल का ही रेफ्रिजरेटर लिया है बिकॉज आई एम नॉट द बॉस ऑफ माई हाउस बट स्टिल वर्लपूल की सर्विस को मैंने खुद देखा परखा और जांचा है फिर भी हमने एज अ प्रोटोकॉल बार बार जब फोन किया तो वर्लपूल की सर्विस को हमने सही पाया कुछ टाउन्स में पर्टिकुलरली कुछ यूपी के और कुछ बिहार के टाउन में उनकी सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी दैट इज वाई मैं उनको यह कह सकता हूं कि द कॉन इज की वर्लपूल की सर्विस हर जगह बेस्ट नहीं है बट यह बहुत मेजर कॉन नहीं है अगर आप टीयर वन टियर टू टीयर थ्री टाउन में रहते हैं गो फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आपको शानदार फीचर्स मिलते हैं कूलिंग अच्छी है नॉइज कम है और प्राइस भी सही है ट्वेंटी लेकिन आपको एक और ऑप्शन देता हूं अगर आप रुपीज तक का बजट रखते हैं और उसमें मेरी पिक रहेगी ही का ही 292 लीटर थ्री स्टार मॉडल जो इस समय थर्टी थाउजेंड रुपीज का कॉस्ट करता है दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं जरा चेक करिए और उसके बाद बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपने दोनों में से कौन सा मॉडल पसंद किया अपने लिए आगे बढ़ते हैं आपको बताता हूं बेस्ट रेफ्रिजरेटर जो आप खरीद सकते हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज के नीचे नीचे और उसमें मेरी लिस्ट में नंबर टू पे आता है सैमसंग का 253 लीटर का थ्री स्टार मॉडल जिसके अंदर आपको नेट कैपेसिटी मिलती है 234 लीटर की और यह बहुत अच्छी कैपेसिटी है और अच्छी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 181 लीटर का आपको फ्रिज मिलता है और 53 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलता है और सैमसंग का यह मॉडल आता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ और इसमें आपको टफ एंड ग्लास शेल्स मिलते हैं इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी मिलती है एक डिओडराइजर भी मिलता है ऑलराउंड कूलिंग भी मिलती है और मूवेबल आइस मेकर भी देखने को मिलता है लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे इस रेफ्रिजरेटर की लगी वो है इसका डिजिटल डिस्प्ले पैनल ऑन दी डोर देखने में ही आपको यह पैनल बहुत ज्यादा मॉडर्न लगेगा और आप बहुत ज्यादा खुश होंगे जब इस रेफ्रिजरेटर को देखेंगे क्योंकि सारे फंक्शंस आपको रेफ्रिजरेटर के बाहर डोर पे ही देखने को मिलेंगे आपको सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है एंड द वर्क इज डन और एक और अच्छी बात इस रेफ्रिजरेटर की ये है कि ये सोलर कंपैटिबल भी है यानी अगर आपके घर में सोलर प्लांट है तो आपका रेफ्रिजरेटर उसके साथ कंपैटिबल है और ये रेफ्रिजरेटर लेगा 193 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ ईयर एज पर द स्टार लेबल सैमसंग के इस कस्टमर केयर नंबर पे जब हमने बार बार अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग प्रॉब्लम्स बता के फोन किया तो उनकी सर्विस पे हमारी रेटिंग है गुड रादर वेरी गुड और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सैमसंग की सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है हर जगह इंडिया में आप कहीं पे भी कोई भी मॉडल ले रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें भी ऐसा ही सुनने को मिला आपको Samsung के इस रेफ्रिजरेटर सैमसंगटर की टेन ईयर की वारंटी इन्वर्टर कॉम्प्रेसर पर जो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलेगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज प्राइस है इस मॉडल का इस समय और यह प्राइस चेंज होता रहता है आपको लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे जरूर चेक करें लेकिन मेरे प्रोजन कॉन सुनने के बाद मॉडल बहुत शानदार है सोलर कंपैटिबिलिटी के साथ आता है इसकी कूलिंग अच्छी है इसके अंदर स्पेस मैनेजमेंट बहुत शानदार तरीके से करी जाती है एंड मतलब आप बहुत अच्छे से इसके अंदर कोई भी सामान रख सकते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहे होते हैं तो बट देर इज वन प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज कि यह कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर नहीं है कन्वर्टेबल नहीं है और आपको इसकी जरूरत है कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है मैंने आपको अपने पॉइंट्स में पहले ही बताया था कि अगर आपको कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर की जरूरत है तब आप उसे लें लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो आपको ऐसी चीज का कोई फायदा नहीं है जिसे आप कभी भी यूज करने वाले हैं ही नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकिन अगर आपका बजट थर्टी थाउजेंड रुपीज तक का है तो मैं आपको एक और मॉडल बताता हूं थर्टी थाउजेंड से थोड़ा सांग का ही थ्री हंड्रेड फोर्टीन लीटर टू स्टार मॉडल इस समय कॉस्ट कर रहा है थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल दैट यू कैन बाय और उसके भी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं मैंने उस मॉडल को देखा है चेक करा है एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स की मेरी लिस्ट में नंबर टर है एल जी का टू हंड्रेड सिक्स का थ्री स्टार मॉडल जिसकी नेट कैपेसिटी सरप्राइजिंगली है आपको के के इस मॉडल अंदर फाइव लीटर का फ्रिज और लीटर का फ्रीजर देखने को मिलता है आपको आज बताए LG के इस मॉडल के अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर विद लीनियर कूलिंग देखने को मिलेगा दोस्तों एक इन्वर्टर कंप्रेसर का काम ही लीनियर कूलिंग होता है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इन्वर्टर कंप्रेसर धीरे धीरे काम करता है जब वो एक एडिकुएटर पे आ जाता है तो इस फीचर को मैं कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं कहूंगा ये एक मार्केटिंग गेमिक ही समझे अंदर आपको एक बहुत शानदार चीज देखने को मिलती है वो है डोर कूलिंग ऑप्शन और ये डोर कूलिंग ऑप्शन बहुत ही शानदार और जबरदस्त चीज है जब आपको डोर कूलिंग मिलती है तो आपको दोनों तरफ से कूलिंग मिल रही है यानी फ्रिज की बैक साइड से और फ्रिज की फ्रंट साइड से अंदर की तरफ से एंड दैट इज वन फेंटेस्टिक फीचर टू हैव एल का ये रेफ्रिजरेटर स्मार्ट डायग्नोसिस के साथ भी आता है यानी अगर इस रेफ्रिजरेटर में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको एल स्मार्ट ऐप पे अपने आप पता चलेगी एंड दैट इज़ अगेन वन वेरी गुड थिंग क्योंकि आप इस रेफ्रिजरेटर को स्मार्ट कनेक्ट एप से भी कनेक्ट कर पाएंगे इस मॉडल में एंटी बैक्टीरियल गैसकेट लगी है और ये टफन ग्लास शेल्फ के साथ आने वाला मॉडल है और इसमें आपको एंड फ्रेश स्लाइडर भी देखने को मिलेगा अब एंड फ्रेश स्लाइडर क्या है आपको एक हनीकॉम डिजाइन की ग्रिल वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर लगी हुई मिलेगी और उसके साथ मिलेगा आपको एक छोटा सा स्लाइडर जिसकी मदद से वेजिटेबल बॉक्स के अंदर जाने वाले मॉइस्चर को आप कंट्रोल कर सकते हैं फेंटास्टिक फीचर टू हैव और उसकी मदद से आप अपनी सब्जियों को कम या ज्यादा देर के लिए फ्रेश रख पाएंगे फैंटास्टिक फीचर यह रेफ्रिजरेटर मॉडल इन्वर्टर कंपैटिबल भी है और सोलर कंपैटिबल भी एल जी का ये मॉडल वन नाइन एट यूनिट की पावर कंजन के साथ आता है एस पर दी लेबल और एल जी के कस्टमर केयर के इस नंबर पे जब हमने बार बार अलग अलग लोकेशन और अलग अलग प्रॉब्लम बता के फोन किया तो उनकी सर्विस पे ऑब्वियसली हमारा फीडबैक है वेरी गुड एल जी आपको देता है वन ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी इस रेफ्रिजरेटर पे और आपको टेन ईयर्स की वारंटी मिलती है ऑन दी इन्वर्टर कॉम्प्रेसर जो आपको इस मॉडल के अंदर देखने को मिलेगा

मॉडल अच्छा है इसके अंदर आपको सभी टाइप के फीचर्स मिलते हैं इसकी कूलिंग अच्छी है इसकी आवाज कम है, पीछे से बिल्कुल कवर्ड है आपको सोलर मिलती है लेकिन मुझे कन्वर्टेबल ऑप्शन भी होती तो शायद यह वन ऑफ रेफ्रिजरेटर होता अभी भी यह बेस्ट है मेरी लिस्ट में, लेकिन यह इतना शानदार रेफ्रिजरेटर हो जाता कि इसे बीट कर पाना किसी भी ब्रांड के लिए इंपॉसिबल हो जाता बट अगर आपकी जरूरत के हिसाब से कन्वर्टेबल मॉडल है तो आप उसे देखिए और अगर आप नॉन कन्वर्टेबल मॉडल और उसमें आप डोर कूलिंग चाहते हैं तो उस मॉडल को देखिए दोनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आई थिंक ये कौन कोई बहुत मेजर कौन नहीं है चॉइस इज कंप्लीटली योर्स लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे लेकिन अगर आपका बजट थर्टी थाउजेंड रुपीज के आसपास है तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत शानदार ऑप्शन है और मैं बात कर रहा हूं एल के ही 308 लीटर टू स्टार मॉडल की जो इस समय कॉस्ट करता है थर्टी टू थाउजेंड रुपीज का एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स जो आपको इस कैटेगरी में इस प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा इसके भी लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे जरूर चेक करिए

और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में और दोस्तों एसी का भी सीजन है एसी खरीदना है आपने मैंने एसी पे बहुत शानदार वीडियोस बनाए हैं इन वीडियोस को आपने अभी तक देखा नहीं देखा तो जरूर देखिए और मैं आपको मिलता हूं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू सो मच